अर्जुनपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक एनटी प्रजापति ने लगाए प्रशासन पर आरोप। कांग्रेसी विधायक सुनीता पटेल के अनिश्चितकालीन धरने को दिया समर्थन। कहा भ्रष्टाचारियों को प्रशासन का संरक्षण। पन्ना जिले में अवैध सागौन तस्करों के ठिकानों पर वन विभाग की छापामार कार्रवाई। लाखों रुपए की अवैध सागौन की लकड़ी समेत मशीनें जब्त। पिछले छह महीने में चौथी बार आरोपी को पकड़ा। जालपुर के अवंतीपुर बड़ौदिया में करंट लगने से हुई मजदूर की मौत। एमपीईबी की लापरवाही से हुआ था। बिजली के लटकते तारों से चपेट। भोपाल में साइबर पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। शेयर मार्केट की एप्लीकेशन बताकर करते थे ठगी। खुद को बताते थे एसईबीआई में रजिस्टर। और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा ब्लैक फंगस से हुई महिला की मौत, नहीं थे कोविड के लक्षण। भोपाल में डॉक्टर्स की टीम आगे की प्रिकॉशन पर करेगी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नरसिंहपुर जिले में चल रहे अवैध सट्टे जुए और स्मैक के कारोबार को लेकर गाडरवारा की कांग्रेसी विधायक सुनीता पटेल द्वारा अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है, जिसको लेकर अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोटेगांव विधायक एनपी प्रजापति और तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा ने भी अपना समर्थन दिया है और इस आंदोलन को उग्र कर दिया है। एक ओर जहां विधायक संजय शर्मा ने अवैध स्मैक जुए सट्टे को लेकर सीधे तौर पर प्रशासन को घेरा है, इसके साथ ही मिलीभगत और अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। वहीं कहा कि नरसिंहपुर कलेक्टर और एसपी सही हैं, लेकिन उनका निचला अमला पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और गोटेगांव विधायक एनपी प्रजापति ने भी सीधे प्रशासन पर आरोप लगाए। बोला कि नरसिंहपुर जिले में चार जगह के नाम गिना दीजिए, रोज हजारों लीटर अवैध शराब बनाई जा रही है, क्यों प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। अब यहाँ दो बातें हैं, एक कर्तव्य है प्रशासन का, दूसरा कर्तव्य है शासन का। शासन नीति निर्धारित करती है और प्रशासन उस नीति पे चलता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया है? विधायक जी ठीक बोल रहे हैं, बरसों से जमे हुए जो लोग हैं लोअर स्टाफ, उनकी आवाज़ पर जुआ सट्टा स्मैक और दारू बिकती है, उनकी आवाज़ पर कहाँ बंद होनी है बंद हो जाती है, किसको पकड़ना है किसको दबोचना है ये पहले तय कर लिया जाता है। अरे भाई, आप बोलते हो बंद करेंगे, अगर ईमानदारी से आपको बंद करना है, एक महीने में सब कुछ बंद हो सकता है? बात को सुन नहीं रहा है या कि धरने पे बैठने के लिए हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, समय समय पर इनको बताते हैं कि जिले में गड़बड़ हो रहा, कहाँ जुआ सट्टे हो रहे हैं। लगातार इस जिले में बाहर के लोग आके एक एजेंसी बना के हर गांव में जुआ खिलवाते हैं। अभी बीच में मड़ेसुर में, चौरपाटा के पास नैनवारा में, मर्राउन में, यहाँ गोटेगांव में, लगातार आसपास के क्षेत्र में एक गिरोह बना के 100-100 लोग आते हैं और जुआ खिलाते हैं। पुलिस को खबर कराई जाती है। एसपी महोदय बहुत अच्छे हैं, कलेक्टर बहुत बढ़िया हैं, नए जिले में आए हैं, लेकिन उनके कहने के बाद निचला हमला जो है उनका, वो डायरेक्ट खबर करता है, रोड में मोटरसाइकिल पकड़ता है, जिसमें जुआ वालों को खबर हो जाएगी पुलिस आने वाली है, वो भाग जाते हैं वहाँ से। जिले में बेशकीमती सागौन का व्यापार जोरों से चल रहा है। लकड़ी माफिया लगातार जंगलों का सफाया कर रही है। वहीं वन विभाग के द्वारा अवैध सागौन तस्करों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी का कहना है कि मुखबिर की सूचना पर जिले के धाम मोहल्ले में छापामार कार्रवाई की गई। पिछले छह माह से यह चौथी बार आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें लाखों रुपए की अवैध सागौन की लकड़ी और लकड़ी काटने में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी बड़ी मशीनों के साथ एक वन्य जीव के अवशेष भी जब्त किए गए हैं। आज हम लोगों ने मुखबिर की सूचना के आधार पर फिर से प्रेम शर्मा धाम मोहल्ला उनके यहाँ सर्च वारंट लेकर फिर से सर्चिंग की गई और उसमें भारी मात्रा में अवैध सागौन जब्त हुई है। साथ ही कुछ हाथ से चलने वाली मशीनें और कटर, हाथ से चलने वाला कटर जब्त हुआ है। ये इनके यहाँ पिछले दो महीने में तीसरी बार कार्रवाई है वन विभाग के द्वारा की गई और पिछले छः महीने से यदि निकाला जाए तो चौथी कार्रवाई हुई है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मंदसौर जिले में बीते दिनों हुई हत्या का खुलासा नारायणगढ़ पुलिस ने किया है।
जहां पुलिस ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी ईश्वरलाल ने बताया कि उसके करीब 50 लाख रुपए कर्ज था उसके ऊपर। इस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए उसने योजना बनाई थी, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया। थाना नारायणगढ़ में एक डेड बॉडी मिली थी, जो कि बाद में तस्दीक करने पर नानूराम पिता कारूलाल धनगर के रूप में उसकी शनाख्त हुई थी। जब उसका पीएम कराया गया, मर कायम करके पीएम कराया गया, तो उसमें ये निकल के आया कि ये व्यक्ति की है जो गला घोंट के हत्या कर दी गई है। उसी तारतम्य में धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर तस्दीक करना शुरू की गई। सभी पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि इसके लास्ट सीन जो इंसिडेंट है वो दो व्यक्तियों के साथ आखिरी बार देखा गया था 3 तारीख को, जिसमें कि ईश्वरलाल गुर्जर और सुंदरलाल गुर्जर ये दो व्यक्ति थे जिनके साथ देखा गया था। इसी पहलू पे जब हमने तस्दीक करना शुरू करी और इन लोगों के जब हमने तलाश करना शुरू करी, तो पुलिस को सफलता मिली, जब इन लोगों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना किया है, जो कि काम बंद कर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भर्ती प्रक्रिया, अनुकंपा नियुक्ति, भुक्तास्थित कर्मचारी सहित भू अर्जन कानून के तहत विस्थापन जैसी 5 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि प्रबंधन ने 2 मांगों को मान लिया है और अन्य 3 मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारी कंपनी प्रबंधन से 5 मांगों को लेकर अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज हड़ताल का 3रा दिन है, जिसमें हमारा 2 मांगों पर कंपनी प्रबंधन के द्वारा सकारात्मक पहल किया गया है, किंतु हमारी 3 मांगे अभी भी लंबित हैं। तो जिनमें हमारी मांगे हैं, भू स्थापित समस्त भू स्थापित संविदा कर्मचारियों को पुनर्वास नीति के तहत समुचित लाभ दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो भर्ती प्रक्रिया भी चल रहा है, उसको जल्द से जल्द मार्च तक पूर्ण कराया जाए। सुजालपुर के अवंतीपुर बड़ौदिया थाना क्षेत्र में करंट लगने से 56 वर्षीय मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना एमपीईबी की लापरवाही की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम शिवलाल बताया जा रहा है। शिवलाल जंगल में खेतों में काम कर रहा था, उसी दौरान करंट के बिजली के लटकते तारों की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना से बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण एक गरीब मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया और मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। भोपाल में साइबर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भोपाल में साइबर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शेयर मार्केट की एप्लीकेशन बताकर ठगी करते थे ये आरोपी खुद को, और वो खुद को बताते थे कि SEBI में रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, और इसके बाद इस पूरी ठगी को अंजाम देते थे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बीजेपी ने संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की है। वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि यह समर्पण अभियान नहीं बल्कि चंदा वसूलने वाला अभियान है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 साल से कोरोना संकट के चलते प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए हैं, ऐसे में बीजेपी एक एक कार्यकर्ता की आर्थिक मदद करे। ये आत्मसमर्पण नहीं है, ये चंदा वसूली है। पहले मुख्यमंत्री जी कहते थे भांजे भांजियों का मामा हूँ, अब चंदा मामा कहलाएंगे। वैसे ही भोपाल में एक विधायक चंदा मामा के नाम से फेमस है। और जो कोरोना काल में जनता त्रस्त हो गई, जिनके काम धंधे बंद हो गए, जिनके रोजगार चले गए, जिनका कोरोना से लड़ाई में पैसा चला गया, किसानों की फसलें नष्ट हो गई, आज उनके पास जाके वसूली की बात कर रहे हैं। बल्कि जाना चाहिए वहाँ पर 65,000 बूथों पर, 1-1 लाख रुपये परिवार दें
मोदी ने कहा था 15 लाख हर परिवार को देंगे, 15 नहीं दे रहे तो एक तो दो। छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सरगुजा पहुंचे, जहां उन्होंने राजमोहनी भवन में आयोजित डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिजिटल सदस्यता के जरिए अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई। वहीं मौके पर संभागीय जोन प्रभारी, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि फरवरी माह के अंत तक 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू किया है, जो बीजेपी की नकल कसने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा पुरातन समय से ही एक चुनावी जो तंत्र है उस पर काम करती आई है, लेकिन ये जो डिजिटल सदस्यता अभियान भाजपा की नकल करके इन्होंने शुरू की है, उसमें एक कंडिका रखी है कि जो भी व्यक्ति शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता हो उसको हम मेंबर बनाएंगे। तो क्या ये इसको सुनिश्चित करेंगे कि ये मादक पदार्थों का और शराब का सेवन नहीं करने वाले को ही मेंबर बनाए? डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत आज ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित की गई है, जिसमें जो डिजिटल की जो बारीकियां हैं उन बारीकियों को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हम लोगों ने फरवरी माह तक इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। आधुनिक युग में डिजिटल का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे जनता तक कांग्रेस की बात, सरकार की बात, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा हम जन जन तक कैसे पहुँचे, इसीलिए जो सदस्य बनेंगे उनको उनके मोबाइल से सीधा लिंक करके अपनी बात पहुंचाना चाहते। दमोह जिले में लगातार बढ़ रहे मवेशियों की चोरी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्थानीय लोगों ने मवेशी चोर को पकड़कर उसे सजा के रूप में सिर के आधे बाल काट दिए और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला शहर के देहात थाना क्षेत्र के जबलपुर नाका चौकी में आने वाला मारुताल का है, जहां चोर ने मवेशी चुराने का प्रयास किया, लेकिन आखिरी वक्त स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर उसके आधे बाल काट दिए और उसे सजा दी। ये दमोह देहात थाना क्षेत्र में ग्राम मारुताल की घटना है। एक राजपूत नाम का लड़का है, जिसका नाम सीताराम राजपूत है, और उसको उन्हीं गांव के कुछ लड़कों ने यह कह के मारपीट की है कि ये गाय चोरी कराता है और उसके बाल भी काट दिए हैं। सीताराम राजपूत की रिपोर्ट पर दमोह देहात में प्रकरण पंजीबद्ध कर विधानिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी मिली थी कि उसे ग्राम खुद लेके आए थे? हाँ, कुछ लोगों को सूचना दी थी, पुलिस भी पहुंच गई थी गांव से। जब लेके आ रहे थे तब सूचना प्राप्त हो गई थी, तो पुलिस भी पहुंच गई थी और उसकी रिपोर्ट जो है लेके जा रही है। महासमुंद जिले के पिथौरा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों ने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश और वार्षिक वेतन वृद्धि करने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। समितियों में सदस्य संवर्ग कर्मचारियों सहित बैंक मुख्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी मांग पूरी न होने को लेकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।